डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं आज थोड़ी सी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। काफी स्टूडेंट्स ने मुझे ये परस्यू किया और काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में लिखा कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे एक वीडियो होनी चाहिए, तो चलें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले ये लेक्चर उर्दू टू इंग्लिश होगा। असल में प्रॉब्लम यही है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्यों जो है ना समझ नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स, वो इसीलिए के नेटिव तो है नहीं हम लोग, तो वो इंग्लिश से इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश करते हैं, जो काफी प्रॉब्लमेटिक होती है उनके लिए। तो उर्दू से इंग्लिश समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या। पहले क्विकली छोटी सी ये डेफिनेशन है डायरेक्ट की और इनडायरेक्ट की। ये डेफिनेशन समझने के बाद हम आते हैं कि कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच, here we go, the definition, these are the original words of the speaker which is placed in quotation marks, there is no change into it and it is what to what same। डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं कि किसी स्पीकर ने कोई ओरिजिनल वर्ड्स कुछ भी कहा हो, हम वैसा का वैसा ही आगे नरेट कर दें, पहुंचा दें, ये डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। यानी मुशर्रफ ने कहा था मैं महंगाई कम करूंगा, मुशर्रफ ने कहा मैं महंगाई कम करूंगा, यानी उसके ओरिजिनल वर्ड्स मैंने आप तक पहुंचा दिए, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। ओके क्या वर्ड टू वर्ड सेम, कोई चेंजिंग नहीं, और इसमें डायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होता, जैसे हमें मिला वैसे ही हमने आगे पहुंचा दिया। इसका एक और नाम है कोटेड स्पीच, इंग्लिश एक्सपर्ट्स इसको कोटेड स्पीच भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी चीज इनडायरेक्ट स्पीच, these are not the original words of the speaker, these are the words stated by someone else to explain the thoughts of the speaker। समझ आई बात? डायरेक्ट स्पीच ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, और इनडायरेक्ट स्पीच ओरिजिनल वर्ड्स नहीं होते, आप अपनी तरफ से अपने अल्फाजों में कन्वर्ट करके बता रहे होते हैं बात, वो इनडायरेक्ट होता है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन है। अब आए समझते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या रूल्स हैं। अगर हम सीक्वेंस से चलेंगे ना, आज मैं सिर्फ पार्ट 1 बता रहा हूं, अगर आप सीक्वेंस से चलेंगे आपको पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आ जाएगा, मगर हम लोग एक साथ सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने की कोशिश करते हैं, वहीं पे हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो आप समझते हैं कि कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओके लेट सपोज डायरेक्ट का मैं एक सेंटेंस बना देता हूं, ही सेड आई प्ले, ही सेड आई प्ले क्रिकेट, ये मैंने एक सेंटेंस बना दिया, अब ये डायरेक्ट है। अच्छा, सबसे पहले ये बात आपको अच्छी तरह मेमोराइज करनी होगी कि इसके दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं, दो क्लाउजेज हैं इसके, ये पहला क्लाउज और ये है दूसरा क्लाउज। पहले क्लाउज को क्या कहते हैं हम लोग, पहले क्लाउज को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरे क्लाउज को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला हिस्सा अभी हमने डायरेक्ट की बात की है, डायरेक्ट है, ओके? तो इस डायरेक्ट के दो हिस्से हैं, पहला जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और ये दूसरा जो हिस्सा जो कोटेशन में है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो आगे चलते हैं कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे होगा। बहुत आसान रूल्स हैं, अगर आप एक दो दफा मेमोराइज करके प्रैक्टिस कर लें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, इसी तरह यहाँ मिक्स हो जाते हैं। सर रिपोर्टेड कौन सा, रिपोर्टिंग को याद रखें, फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग, सेकंड वन इज रिपोर्टेड। ओके, तो रूल के मुताबिक इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच, लेट सपोज अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होता, ही सेज होता प्रेजेंट टेंस में, तो हम रिपोर्टेड में कोई चेंज नहीं करते, no change। प्रोनाउन के अलावा, प्रोनाउन का मैं अभी बताता हूं क्या होगा, कैसे चेंज होता है। पहले he says I play cricket, जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले तो ये कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, किससे हटेंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ये किससे हटते हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ये हटते हैं दैट से। तो जब he says I play cricket को चेंज करेंगे तो इसमें क्या होगा, ही फॉर एग्जाम्पल ही सेज दैट ही प्लेस, he says that he plays cricket, आप बोलेंगे सर ये plays क्यों आया, he क्यों आया, ये बाद में बात करते हैं, मगर tense में कोई change नहीं आया। अगर reporting क्या होगा, present, no change in reported speech, बात समझ आई, दूसरी बात
अगर ये रिपोर्टिंग ही सेज की जगह होता ही विल से, यानी होता ये फ्यूचर टेंस में, किसमें होता? फ्यूचर टेंस में होता, फ्यूचर टेंस में होता जब भी कोई चेंज नहीं आता। यानी अगर ये होता ही विल से आई प्ले क्रिकेट तो भी ऐसी होता ही विल से दैट, ही विल से दैट ही प्लेज क्रिकेट। प्रेजेंट में होगा और फ्यूचर में रिपोर्टिंग स्पीच, क्या रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां तक तो बात बहुत आसान लग रही है, मगर आगे जाके बात खराब होती है। क्या? जब भी ये रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्टिंग जब भी ये किसमें होगा? पास्ट में, किसी भी पास्ट टेंस में होगा तो फिर क्या होगा? फिर भी सेम रहेगा? नहीं, फिर सेम नहीं रहेगा। इफ इट इज इन पास्ट देन वी विल मेक सर्टेन चेंजेस, फिर हमें कुछ चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने होंगे, कैसे? यहां तक बात समझ आई? ये है डायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। सबसे पहले कॉमे हटेंगे डैट से, डैट के बाद अगर ये रिपोर्टिंग प्रेजेंट है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, अगर ये रिपोर्टिंग फ्यूचर है तो भी इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर ये पास्ट है तो फिर कुछ चेंज आएगा। वो क्या चेंज आएगा हम समझते हैं। ओके, यहां तक बात क्लियर है? क्या चेंज आएगा मैं बताता हूं। वो चेंज ये आएगा, अगर ये रिपोर्टिंग पास्ट है और यहां पे प्रेजेंट लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट सिंपल क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा पास्ट सिंपल। अगर ये होता प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तो ये हो जाता पास्ट प्रोग्रेसिव। अगर ये होता प्रेजेंट परफेक्ट तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगर ये होता प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। कहने का मकसद है कि चारों प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ ही सैड यानी पास्ट है, ही सैड यानी पास्ट है तो चेंज आएगा ही सैड। प्रेजेंट सिंपल है, ही सैड दैट आई प्ले क्रिकेट, किसमें चेंज हो जाएगा? ही सैड दैट I played cricket. Pronoun भी change होगा। He said that he played cricket. Rule के मुताबिक। अगर ये present होता no change. Future होता no change. ये past है जब भी यहाँ effect करेगा, जब भी इसको हमें change करना पड़ेगा। Present के सारे tense लगे कि लिखा हुआ होता he said और यूँ लिखा हुआ होता he said I am playing cricket. He said I am playing cricket. तो ये क्या हो जाता? He said that he was playing cricket. अगर लिखा होता he said I have played cricket, he said that he had played cricket, he said I have been playing cricket for one hour, he said that he had been playing cricket for one hour. सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये tense होता past simple तो ये change हो जाता past perfect में। अगर ये होता past progressive तो ये change होगा past perfect progressive. अभी तक हम इसके negative पे नहीं आए, interrogative पे नहीं आए, अभी हम affirmative की बात कर रहे हैं सिर्फ। याद है reporting, reported. सारा मसला कहाँ खराब हो रहा है? reporting से। अगर ये present है तो no change, future है तो no change, अगर past है तो change होगा। क्या change होगा? present के सारे tenses past में change हुए, past simple, past perfect में change हुआ, past perfect progressive में change हुआ। इसके अलावा will है अगर तो वो would में change होगा, shall है अगर तो वो शुड में चेंज होगा, अगर मे है तो वो माइट में चेंज हो जाएगा, अगर कैन है तो वो कुड में चेंज हो जाएगा। ये सारी चेंजेस आएंगे। आई थिंक इतना काफी है अभी के लिए, ये पार्ट वन है, आगे और प्रैक्टिस करेंगे। आप इसको अभी प्रैक्टिस में रखें, अगर रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड पूरा लेक्चर दोबारा अगर समझ नहीं आए दो तीन दफा देखें आपको जरूर क्लियर होगा। प्रोनाउन की बात भी मैंने नहीं की कि सर ये ही सैड, आपने कहा ही सैड आई एम प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, ही सैड दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा क्यों होगा? कि अगर देखें आई और वी प्रोनाउन है, आई और वी प्रोनाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और वी, तो ये सब्जेक्ट जो है आई और वी है हमेशा चेंज हो जाएगा इससे। जैसे ही सैड तो आई और वी था, अगर यहां वी भी होता, वी आर प्लेइंग क्रिकेट भी होता तो ये हो जाता ही सेड दैट, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी चेंज हो जाएंगे किससे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज हो जाएंगे। अब यू किससे चेंज होगा? ही शी इट अगर होता ही है, ही शी इट
ही शी इट एनी नेम, ये सब कुछ होता थर्ड पर्सन होते तो कोई चेंज नहीं होता। अगर ये होता ही सैड ही इज प्लेइंग क्रिकेट तो यही रहता, ही सैड दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। प्रोनाउन भी बड़े जरूरी है इसमें समझना। अभी मैंने सिर्फ आई वी और ही शी इट का